डिटरमिनेंट पे चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या होता है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। डिटरमिनेंट सिंपली एक वैल्यू होता है, डिटरमिनेंट सिंपली एक स्केलर वैल्यू होता है जो रोज और कॉलम्स में अरेंज होता है, स्केलर मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है। जैसे देखिए, इस तरह से एक स्केलर मैट्रिक्स 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का हो सकता है, उसी तरह से डिटरमिनेंट भी, एक डिटरमिनेंट भी 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का, 5x5 का हो सकता है, क्योंकि ये स्केलर मैट्रिक्स के फॉर्म में ही होता है। चलिए तो हम लोग एक डिटरमिनेंट लेते हैं और डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। A11, A12, A21, A22, एक मैट्रिक्स लिया हमने, एक मैट्रिक्स लिया, सिंबल देख लीजिए स्क्वायर ब्रैकेट के रूप में है, ये मैट्रिक्स है, ये 2x2 के फॉर्म में, 2x2 के ऑर्डर में है। हम ये जो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिटरमिनेंट कर सकते हैं, ये साइन हटा दिया, ये सिंबल से हट गया, सिंबल चेंज हो गया, ये देखिए ये डिटरमिनेंट बन गया। हम लोग इसको सॉल्व करके एक सिंपल से वैल्यू ला सकते हैं, एक स्केलर वैल्यू एक सिंपल से वैल्यू ला सकते हैं, हम लोग इसको डिटरमिनेंट कह सकते हैं, और जो वैल्यू हम लाएंगे उसको हम डिटरमिनेंट कहते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर जो भी आएगा, सॉल्व करने का तरीका देखेंगे बाद में, लेकिन सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आएगा एक सिंपल सा वैल्यू आएगा, तो वो वैल्यू डिटरमिनेंट है, इसको हम डिटरमिनेंट कह सकते हैं। तो डिटरमिनेंट क्या है, तो डिटरमिनेंट सिंपली एक स्केलर वैल्यू होता है जो स्केलर मैट्रिक्स के रूप में होता है, लिखा हुआ स्केलर मैट्रिक्स के फॉर्म में बना हुआ होता है। चलिए अगर इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको देखिए, डिटरमिनेंट को हम लोग ये इस अगर मैट्रिक्स था, अगर ए मैट्रिक्स था तो हम लोग उसका डिटरमिनेंट चेंज किए हैं, तो इस तरह सिंबल लिखा जाता है, या तो क्या एल भी लगा सकते हैं, डेल्टा भी लगा सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर माइनस करके दूसरे को मल्टीप्लाई किया जाता है। करने का मतलब क्या है, ये देखिए इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस करने के बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब देखिए A11 A22 से मल्टीप्लाई करेगा एलिमेंट A11 एलिमेंट A22 से मल्टीप्लाई हुआ और माइनस A21 A22 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सबट्रैक्ट होगा, सिंपली लास्ट में सिंपल सा वैल्यू आ जाएगा, ये भी डिटरमिनेंट है, उसको भी डिटरमिनेंट ही हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व करने का तरीका यह है, फॉर्मूला इसको तरीका समझिए, फॉर्मूला समझिए। एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो डिटरमिनेंट आपने को दिया हुआ है, एग्जांपल फर्स्ट, इसको सॉल्व करना चाहते हैं हम लोग, इवैल्यूएट करना चाहते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तरीका वही है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करने के बाद इससे मल्टीप्लाई होता है। चलिए इसे 5/2 से मल्टीप्लाई करें, 5/2 माइनस 3/4, 5 × 10 माइनस 12 वही प्रोसेस, 1 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करने के बाद माइनस 2 से माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से 6 को मल्टीप्लाई करूंगा इनटू 6 माइनस माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 5, तो 1 इनटू 6 6 और माइनस 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 प्लस हो जाएगा 5 गुना 10 आ जाएगा माइनस 4। ये रहा सॉल्व करने का तरीका, ये
प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस, उसके तरीके से सब सब सॉल्व हो रहा है। चलिए अच्छा, तो क्या डिटरमिनेंट 2 बाय 2 का हो सकता है? जिस तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स 2 बाय 2 का भी हो सकता है, 3 बाय 3 का भी हो सकता है, 4 बाय 4 का भी हो सकता है, लेकिन अपने को क्लास 12 में 2 बाय 2 और 3 बाय 3 को पढ़ना है। उसी तरह से डिटरमिनेंट में भी ये 2 बाय 2 का हो सकता है, 3 बाय 3 का हो सकता है। तो ये 2 बाय 2 तो सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर 3 बाय 3 का आ जाए, अगर अपने पास क्वेश्चन 3 बाय 3 का आ जाए, तो 3 बाय 3 को कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। थोड़ा सिंपल तरीका है, हम लोग 2 बाय 2 को सोल्व करना तो जानते हैं, तो 2 बाय 2 को सोल्व करते हैं जिस तरह से, उसी तरीके से 3 बाय 3 को भी करेंगे। 3 बाय 3 को पहले 2 बाय 2 के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको थोड़ा और सिंपल कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास है, ये रहा A11, A12, A13, A21, A22, A23, कन्वर्ट करेंगे, सिंपल करेंगे, इसको सिंपल करने के बाद इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तब 2 बाय 2 में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या है? 3 बाय 3 डिटरमिनेंट को 2 बाय 2 में कन्वर्ट करने के लिए पहले अपने को अपनी मर्जी से किसी एक रो या किसी एक कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ता है, किसी भी एक रो को एक कॉलम हो सकता है, उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग उसी के अलोंग, जिसको हम सेलेक्ट किए हैं, हम उसी के अलोंग इसको सॉल्व करते हैं, उसी के अलोंग इसको 2 बाय 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, अगर हमारी इच्छा हुई कि हम R1 को सेलेक्ट करते हैं, R1 कि हम R1 के अलग इसको तोड़ना चाहते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग, मतलब फैला रहे इसको, लंबा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 के अलग इसको एक्सपेंड करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन गया, तो आर वन के तीन एलिमेंट्स हैं, A11, A12, A13, हम लोग इन्हीं तीन एलिमेंट्स का यूज करेंगे, बाकी नीचे का लोग मतलब नीचे के अनुसार हम लोग काम नहीं करेंगे, इसी के अनुसार काम करेंगे A11, A12, A13 के अकॉर्डिंग। चलिए तो देखिए, पहले जो आपको पहला एलिमेंट है उस आर वन का, आर वन का पहला एलिमेंट है A11, तो A11 जो कि A1 में है, तो यहाँ पर लिखिए, ध्यान रहे कि हर एक एलिमेंट के पहले कोई का सिंबल लगता है, प्लस या माइनस का सिंबल लगता है, और डिटरमिनेंट में इसको स्टार्ट जो सबसे पहला ये A1 माने A1 हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसी के अकॉर्डिंग अल्टरनेट करके प्लस माइनस जा सकते हैं। या एक और तरीका है, कहां प्लस और कहां पर माइनस लगे उसके लिए एक और सिंपल सा रूल है, उसको देखिए, -1 to the power i + j, इसके अकॉर्डिंग जो प्लस आया उसको प्लस कर दीजिए, माइनस आया उसको माइनस कर दीजिए। जैसे A11 का बात करते हैं, A11 के लिए हम क्या लेंगे, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करते हैं, -1, 1, 1, मतलब i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1, तो 1 + 1 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या आएगा, 1 पॉजिटिव आया, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर इसका बात करें, इसके लिए आएगा -1 / 1 + 2, -1 का क्यूब, जबकि -1 नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसके लिए करके देखते 1 + 3 = 4 आएगा, -1 = 4 हो जाएगा, उस समय ये पॉजिटिव आएगा, मतलब अल्टरनेट चलता, स्टार्टिंग यहां से समझ लीजिए, प्लस माइनस प्लस। अगर कोई इसके लिए बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ से 3 + 3 = 6 होता है, तो -1 / 6 आ जाएगा पॉजिटिव। या तो फिर तरीका है प्लस माइनस प्लस आ गया। अगर इसके बारे में बात करें तो डायरेक्टली इस तरह से नहीं जा सकते, हम लोग इसे यहाँ पर प्लस माइनस प्लस या तो प्लस माइनस प्लस, किसी भी एलिमेंट के लिए हम लोग स्टार्टिंग यहाँ से प्लस होगा, यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग प्लस करते हैं, प्लस हम अल्टरनेट करते हैं, रो वाइज या कॉलम वाइज भी जा सकते हैं आप, और उस एलिमेंट का जो स्पाइन को डिसाइड कर सकते हैं। या तो सिंपल सा प्रोसेस, सिंपल सा तरीका है, -1 / i + j कर लीजिए, वहां से आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा इससे क्या संबंध लगेगा। चले तो देखिए, हम लोग इस एलिमेंट का बात करते हैं, हम लोग आर1 के लिए काम कर रहे हैं, आर1 के हम काम कर रहे हैं, तो A11 जो आपका एलिमेंट है, A11 इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, पॉजिटिव लगता है इसके अकॉर्डिंग, पॉजिटिव कोई सिंबल नहीं दिए बोले तो पॉजिटिव, तो A11। उसके बाद क्या करना पड़ता है, एलिमेंट लिखने के बाद ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको कैंसिल करना पड़ता है,
जैसे ये इस आर1 रो में और सी1 कॉलम है, तो ये और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये, तो जो बचा है उसको इसके साथ इनटू में लिखा जाता है डिटरमिनेंट फॉर्म में, तो 2/2 के फॉर्म में। तो क्या जाएगा यहां पर, देखिए a22 a23 फिर a32 a33 ठीक है। आर1 के का पहला एलिमेंट को अलग हम उसको 2/2 में कन्वर्ट किए, आगे चलते हैं। अब फिर अगला एलिमेंट है a12, लेकिन प्लस के साथ क्या लगेगा, माइनस, मतलब इसके साथ अपना लगेगा माइनस, प्लस के बाद माइनस, तब माइनस आ जाएगा यहां पर a12 के साथ, a12 के साथ माइनस आ गया। और अब देखिए आप इसके लिए देखते हैं, तो ये किस रो में है, ये फर्स्ट रो में है, ये रो कैंसिल हो जाएगा, और ये सेकंड कॉलम है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये पार्ट बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, जो बचेगा उसको इसके साथ इंटीग्रेट करना है, तो मैं 2/2 के फॉर्म में लिख देंगे। क्या बचा, फिर से देखिए a12 है, a12 इस रो में ये कैंसिल हो जाएगा, और ये जो सेकंड कॉलम है ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल, जो बचा उसको देखिए, तो ये बचा पूरा, ये बचा पूरा, देखिए इसमें लिख सकते हैं a21 a21 a31 a 23 a 3, उसके बाद a13, देखिए प्लस इसके साथ था, फिर माइनस किया इसके साथ, इससे क्या होगा, प्लस प्लस a13, देखिए अब ये फर्स्ट रो ये कॉलम कैंसिल है, बचे ये वाला जो बचा उसको लिखिए वहां पर, तो वे टू के डिटरमिनेंट फॉर्म में है a21 a22 a31 a32 a21 a22 a31 a32। इतना करने के बाद अब हम इसको टू बाई टू जिस तरह से टू डिटरमिनेंट को सॉल्व करते थे उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, वन वन के साथ इन में रहेगा, उसी तरह से वन टू इसको सॉल्व करने के बाद इंटू में आ जाएगा, एवन थ्री इसके साथ सॉल्व करने पर इंटू में आ जाएगा। चलो देख लीजिए क्या करना है, a11 के साथ इसको सॉल्व करते तो हम क्या था, ये मल्टीप्लाई करेगा और माइनस करने पर ये मल्टीप्लाई होगा, तो a22 को a33 से मल्टीप्लाई करो तो a22 into a33, और माइनस ये दोनों होगा a32 into a23, ठीक है। फिर माइनस a12 इसके साथ इसको सॉल्व करते हैं तो a21 को a33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a21 को a33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस a31 को a23 से, और इसी आगे प्लस प्लस a13 इसके साथ इसको सॉल्व करते हैं a21 into a32 माइनस a31 into a22, इस वो को एवरेज कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो 3/3 को सॉल्व करने का तरीका ये रहा, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या प्रोसेस था, पहला स्टेप क्या था, तो अपने को 3/3 को सॉल्व करने इसको 2/2 में कन्वर्ट करना पड़ता है। 2/2 में कन्वर्ट करने के लिए पहले आप अपनी मर्जी से किसी एक रो या किसी एक कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके अलावा इसको एक्सटेंड करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप हमारी मर्जी, हम चाहे तो R1 ले सकते हैं, R2 ले सकते हैं, R3 ले सकते हैं, किसी से भी निकालिए आंसर आपका सेम आएगा। आप कॉलम 1 सेलेक्ट कर लो, कॉलम 2 किसी को भी आप सेलेक्ट करिए, किसी एक को, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करके देखिए आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो चलिए हम तो ठीक करके दिखाएंगे आप, पहले हम R1 के अकॉर्डिंग कॉलम करते हैं, एक्सपेंडिंग R1 का भी एक्सपेंड अगर किया जाए तो R1 का एलिमेंट 5, 2, 3 है, तो पहले 5 के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो 5 के साथ कौन सा साइन आता है, प्लस या माइनस, सबसे पहला एलिमेंट है तो प्लस आएगा 5,
और उसके बाद इसका ये रो ये कॉलम कैंसिल होगा, बचेगा ये 0 0 1 1 3 0 1 1 3 और फिर उसके बाद प्लस का क्या है -2 -2 ये रो ये कॉलम कैंसिल होगा, बचेगा 0 1 5 0 1 5 3 और अगला प्लस माइनस इसके बाद प्लस आएगा +3 क्या बच रहा है ये कैंसिल 0 0 5 बच रहा है 0 0 5 1 चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 इनटू इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है माइनस इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 0 को 3 से मल्टीप्लाई करिए आ जाएगा 0 माइनस 1 इनटू 1 1 उसी तरह से माइनस 2 0 को 3 से मल्टीप्लाई करिए 0 और माइनस 5 इनटू 1 5 प्लस 3 यहां पर 0 से मल्टीप्लाई करिए 1 को 0 5 से मल्टीप्लाई करिए 0 क्या जाएगा 5 -1 -5 और माइनस इनटू माइनस प्लस 5 10 और प्लस 0 -0 0 0 0 0 आपका आंसर आ गया -5 + 10 = 5। हम लोग R1 कलम एक्सपेरिमेंट करके देखे तो +5 आया। चलिए अब हम लोग R2 कलम करके देखते हैं क्या सेम आंसर आता है कि नहीं आता। तो चलिए तो आपको किसी एक ही कलम करना है लेकिन आप समझने के लिए आपको दिखाने के किसी से कलम आपको फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए हम R1 से R2 से किसी को सेव कर सकते हैं वो दिखा रहे हैं करके एक्सपेंड अलोन R2 R2 कलम अगर इसको एक्सपेंड करें तो R2 में सबसे पहले एलिमेंट है 0 फिर 0 फिर 1। इस एलिमेंट के लिए कौन सा साइन देंगे प्लस या माइनस? देखिए स्टार्टिंग में यही से करते हैं प्लस 5 तो प्लस के बाद क्या आएगा माइनस तो 0 भी आएगा माइनस फिर इसके लिए माइनस हुआ तो इसके लिए होगा प्लस प्लस के लिए क्या आएगा माइनस। ठीक है प्लस माइनस मतलब यहां पर इसके लिए आएगा माइनस माइनस प्लस माइनस। चलिए तो 0 के अकॉर्डिंग काम करते हैं पहले तो 0 और ये किस रो किस कॉलम में देखिए 0 जो आपका है इस कॉलम में इस रो में तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा बचेगा 2 3 1 3 ये और ये कैंसिल हुआ ये इस रो में था और इस कॉलम में ये और ये कैंसिल बचा 2 3 1 3 ऊपर उसके लिए 2 3 1 3 उसका भी और प्लस का क्या है माइनस तो माइनस 0 ये और ये कैंसिल हुआ ये 0 सेकंड वाले 0 तो ये 0 किस रो में तो सेकंड रो में और इस कॉलम में ये कैंसिल बचा 5 3 5 3 5 3 5 3 और उसके बाद +1 माइनस था माइनस प्लस माइनस सॉरी माइनस 1 माइनस 3 प्लस के बाद माइनस था ये माइनस 0 लगेगा यहां पर माइनस 0 लगेगा यहां पर प्लस और यहां पर माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। चलिए इसके ये आर टू और ये कॉलम कैंसिल हो बचा 5 2 5 1 जो बचा उसको लिखते हैं 5 2 5 1। चलिए सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसी भी चीज पे यहां पर कोई भी नंबर आ जाए लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 0 तो अंदर सॉल्व करने की जरूरत अपने को नहीं है और यहाँ पर भी वही हाँ होगा 0 से मल्टीप्लाई करना कौन सी का 0 बचा से इसके लिए चलिए -1 इसको सॉल्व करें 5 -5 × 1 5 × 1 5 -5 = 10 0 0 0 -1 यहाँ पर जाओ -5 - -1 - 1 × -5 that is +5। देखिए सबसे बात उसी तरह से किसी कॉलम के अकॉर्डिंग ले लीजिए कोई भी कोई कॉलम लीजिए आपकी मर्जी है और आप आंसर लगेगा सेम आंसर आएगा कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब देखते हैं कि हम को बेहतर जो आसान से सॉल्व हो सके जो ज्यादा बेहतर हमारे लिए वो कौन सा रो या कौन सा कॉलम हो सकता है। तो अगर ध्यान से देखिए तो इन दोनों एक्सटेंशन में R1 के हम एक्सपेंड कर रहे थे और R2 के हम एक्सपेंड कर रहे थे तो R1 के हम एक्सपेंड कर रहे थे कि तीनों ये भी डिटरमिनेंट की तीनों डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ा क्यों क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट 5 था 2 था 3 तो कहीं पर 0 नहीं था। लेकिन वही अगर R2 के हम एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पर भी 0 आया था यहाँ पर भी 0 आया था यहाँ पर 1 आया था तो देखिए इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्या नहीं क्योंकि यहाँ पर 0 था यहाँ भी 0 था जरूरत ही
नहीं पढ़ा, हमको सीधे आंसर किससे मिला, सर्विस से मिला, सिर्फ ये वन से मिला है दोनों जीरो को, कि कार हमको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमारे लिए बेहतर कौन होगा, जिसमें अधिक से अधिक जीरो रहे। देखिए आर टू के अलावा एक्सपेंड करना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा, क्योंकि उसमें डबल जीरो पहले मिल चुका था, डबल जीरो के कारण हमको सोल्व करते ही नहीं, कोई प्रॉब्लम, हम इसको भी लिखते कोई प्रॉब्लम, तो सीधा आंसर इससे मिला था, फिर यही लिखते हम डबल जीरो का कुछ नहीं करते, सीधा वन के कारण करते, वन के कारण आंसर मेरा आ रहा था प्लस। ठीक है, तो हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि अगर कभी थ्री थ्री को सोल्व करना है तो हम लोग कौन सा कॉलम को सिलेक्ट करें, करने का कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आसान हो जाए उसके लिए कोशिश करते हैं कि वैसा हो जाए, वैसा कॉलम चुना जाए जिसमें मैक्सिमम जीरो मिल जाए, मैक्सिमम जीरो होना चाहिए। अगर थ्री बाई थ्री का तो कोशिश करो टू बाई टू का मिल जाए, या तो जीरो में जीरो में ज्यादा आसान, बहुत ही आसान हो गया, फिर डायरेक्टली जीरो हो जाता आगे बताएंगे प्रॉपर्टीज में। लेकिन अगर टू में दो जीरो अगर मिल जाए तो भी आसान है, अगर एक ही जीरो मिला कहीं और नहीं, लेकिन अगर एक में एक थी तो उसको भी सिलेक्ट करना ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन कोशिश करिए मैक्सिमम जीरो रहे उसको सिलेक्ट करने का। चलिए तो आगे हम लोग अब चलते हैं, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कभी अगर ये तो आपको देखने में क्वेश्चन दिया हो, तुम्हें अगर यहाँ पर अलजेब्रा डाला हुआ रखता तो कुछ मतलब टाइप एक्सप्रेशन डाला हुआ रखता, इस जगह पर एक्सप्रेशन होता और उसको इवेल्युएट करने के लिए कहा था, तो हम लोग ये सोल्व करने में कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्वेश्चन, और जब कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो अपने को सोल्व करने थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको आसान करने के लिए प्रॉपर्टीज यहाँ पर दिया हुआ है, डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज, उस प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या करेगा, जो क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स होंगे, जो ज्यादा टफ क्वेश्चन होगा जिसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको वो सिंपल पहले कर लेता है, सिंपल करने के बाद हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज हम प्रॉपर्टीज का यूज करके किसी कॉम्प्लेक्स डिटरमिनेंट, जो ज्यादा हेवी डिटरमिनेंट हो उसको आसान किया जा सकता है, आसान करके आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज पढ़े जा रहे हैं, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट का वो क्या कहता है, कहेगा कि डिटरमिनेंट है और उस डिटरमिनेंट का कोई एक रो या कोई एक कॉलम कोई हो सकता है, कोई एक रो या कोई कॉलम अगर उसका सारा एलिमेंट अगर जीरो हो, चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, अगर जीरो 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 मिल जाए, वन फाइव एस कुछ भी है, नीचे कोई एलिमेंट है लेकिन अगर कोई एक रो कोई कॉलम अगर जीरो हो जाता है, उसका सारा एलिमेंट जीरो हो जाता है, हो सकता है यहाँ पर जीरो जीरो होता, मतलब कोई भी एक रो कोई कॉलम जीरो हो सकता है, अगर ऐसा है किसी रो या किसी कॉलम से सारा एलिमेंट जीरो हो जाए तो इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली इसका सॉल्व करके देखिएगा, सॉल्व करने के बाद जीरो ही आएगा डायरेक्ट, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व जान लेगा डायरेक्टली कहीं पर क्वेश्चन आता है उसको डायरेक्टली जीरो कर सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा डिटरमिनेंट जिसका कोई भी एक रो कोई भी कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो हो तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उसको डायरेक्टली हम जीरो कह सकते हैं। यहाँ पर कारण क्या मिलेगी, All elements of R1 are zero. R1 का सारा एलिमेंट जीरो है, जीरो कर दी, किसी का भी जीरो है उसको जीरो कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड पे चलिए। प्रॉपर्टी सेकंड क्या कहता है? सेकंड प्रॉपर्टी कहता है जिसका कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए, कहने का मतलब है देखिए 2 5 6 9 1 0 2 5 6, और ध्यान से देखिए डिटरमिनेंट को, जिसमें R1 एंड R3 बोथ आर आइडेंटिकल, एक समान सेम सेम, 2 का 2 है 5 है 6 है, सेम सिमिलर है, मतलब क्या है कि दो एलिमेंट्स सॉरी दो रोज या दो कॉलम्स के साथ ही काम हो सकता था, यहाँ पे दो रोज का बात हो रहा है, दोनों रो कोई हो सकता है, वो आर वन आर टू हो सकता है, आर वन आर थ्री हो सकता है, आर टू आर थ्री हो सकता है, कोई हो सकता है, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए, दो अगर तीन रहे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल अगर है तो इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसका डिटरमिनेंट जीरो होता है।
फिर से अगर कोई डिटरमिनेंट है जिसका कम से कम दो रो या तो कम से कम दो कॉलम का एलिमेंट्स सेम सेम हो, मतलब आइडेंटिकल हो, दो रो का भी एलिमेंट सेम हो सकता है, दो कॉलम का एलिमेंट सेम हो सकता है, दो से अधिक एलिमेंट्स का, दो से अधिक रोज का भी एलिमेंट सेम हो सकता है, दो से अधिक कॉलम्स का भी एलिमेंट सेम हो सकता है, लेकिन कम से कम दो होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको लोग आसानी से डील कर सकते हैं बिना कोई सॉल्यूशन का आसानी से। अगर आप चाहें तो करके सॉल्व करके देखिएगा, इसका डिटरमिनेंट जीरो ही आएगा। तो 100% सही है, इसको सॉल्व करके देखिए तो 100% जीरो ही आएगा। इसका रीजन क्या देंगे यहाँ पे, तो R1 और R3 R1 और R3 का एलिमेंट जो आइडेंटिकल है, एलिमेंट्स ऑफ R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, एक समान है, जिसके कारण ये जीरो हो गया। उसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी डिटरमिनेंट का कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम प्रोपोर्शनल कहने का मतलब है, हो सकता है अगर R1 R2 का बात करते हैं तो हो सकता है कि R1 का सारा एलिमेंट R2 से डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल हो, 4 गुना हो 5 गुना हो 6 गुना, हो सकता है 1/2 1/2 1/2 1/3 1/3 हो सकता है, मतलब प्रोपोर्शनल होना चाहिए, कितना गुना उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। उसको देखते हैं 2 5 6 देखा जाए तो हमको देखिए ध्यान से R1 और R2, अगर दोनों को ध्यान से देखे तो R2 का जितना एलिमेंट है वो सारा का सारा एलिमेंट R1 का डबल है, 2 का मतलब 2 2 4 5 10 1 2, मतलब यहाँ पर क्या है कि R1 और R2 प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, तो समानुपाती अगर है तो इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा है तो भी 100% जीरो हो जाएगा। फिर से देख लीजिए किसी एक डिटरमिनेंट जो है, यहाँ पर एक डिटरमिनेंट दिया और डिटरमिनेंट का R2 का जितना एलिमेंट है वो R1 के डबल है, देख लीजिए 2 का डबल 4 5 का डबल 10 1 का डबल 2, डबल है, जरूरी डबल हो, ट्रिपल भी हो सकता है, चौपल भी हो सकता है, 1/2 1/2 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितना ये इनटू में होगा उतना इनटू में इसके साथ होना चाहिए, उतना इनटू में इसके साथ होना चाहिए, मतलब इसका सारा एलिमेंट इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो इस केस में बराबर जीरो आ जाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसका रीजन क्या बताते हैं हम कि R1 एंड R2 एलिमेंट जो R1 एंड R2 आर प्रोपोर्शनल है, एलिमेंट्स ऑफ R1 एंड R2 आर प्रोपोर्शनल। चलिए ड्यू प्रॉपर्टी देखिए, इसमें तीनों का तीनों जीरो, मतलब सारा का सारा सॉल्व करने पर जीरो आता है। फिर से वापस रिमाइंड कर लेते हैं, अगर कोई डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट का किसी भी एक रो किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट अगर जीरो है तो उसको उसका इवेलुएट करने पर आंसर जीरो ही आएगा। दूसरा, कोई भी रो या कोई किसी भी डिटरमिनेंट का कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है सेम सेम हो तो भी सॉल्व करने पर जीरो ही आएगा, या तो कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर प्रोपोर्शनल हो तो भी सॉल्व करने पर जीरो ही आएगा। इनको सॉल्व करके आप चाहे तो देख सकते हैं 100% जीरो आता है। इस तरह कोई भी डिटरमिनेंट आप ले लीजिए जिसमें ये सब प्रॉपर्टी सूट हो रहा है, सॉल्व करने पर आपका 100% जीरो ही आएगा। इसलिए कभी अगर क्वेश्चन में आता है या कभी उनको जरूरत पड़ा सॉल्व करते समय इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया तो हम लोग आसानी से डायरेक्टली जीरो कर सकते हैं। चलिए अगला प्रॉपर्टी में चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ
5629980616 देखिए बेटा नाम जो अगर इनके रोज मतलब इनका जो रोज है 8183 उसमें से किसी भी दो को हम लोग एक्सचेंज करते हैं, कहने का मतलब आर्बन जो है उस आर्बन के एलिमेंट्स को अगर हम R2 पर ले आए, R2 के एलिमेंट्स को R1 पे ले जाए, एक बार एक्सचेंज हो R1 R2 के साथ एक्सचेंज है तो एक बार एक्सचेंज करने पर एक माइनस बाहर निकलता है, एक बार एक्सचेंज करेंगे तो एक माइनस बाहर निकलता है। मतलब देखिए एरो में हमें प्रॉपर्टी को एक प्रोसेस अप्लाई करते हैं, प्रोसेस क्या है तो R1 और R2 को हम एक्सचेंज कर रहे हैं, साइन एनर्जी कैसा है R1 R2 दोनों पे एक्सचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज करने पर क्या होगा ये 5 6 आ जाएगा नीचे और 19 के चले गया ऊपर, 19 के ऊपर चला गया 5 6 तो नीचे आ गया 0 1 6। तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल का साइन देखिए लेकिन दोनों इक्वल नहीं होगा, इक्वल तभी होगा जब एक माइनस यहाँ पर आ जाएगा। इसको सोल्व करके देखिए और बिना माइनस का सिर्फ इसको सोल्व करके देखिएगा तो 100% माइनस का प्रॉब्लम होगा, दोनों सेम नहीं हो पाएगा, माइनस का प्रॉब्लम, माइनस का चेंज होगा, तो यहाँ पर दोनों सेम होगा कब जब माइनस लगा दिया जाए, ठीक है। उसी तरह से अगर हम फिर से इसे एक्सचेंज करते हैं, अगर हम फिर से हमारी इच्छा होगी कि चलिए हम कॉलम 2 कॉलम 3 के साथ एक्सचेंज करते हैं, कॉलम 2 को एक्सचेंज करते हैं कॉलम 3 के साथ, चलिए एक्सचेंज करते हैं, कॉलम तो सेम हो गया 1 -5 0 9, कॉलम 3 यहाँ पे आएगा 8 2 6 9 6 1, यहाँ पर कॉलम 2 कॉलम 3 का एक्सचेंज हुआ तो एक बार एक्सचेंज करने पर एक माइनस बाहर निकलता है, ये तो माइनस पहले वाला था, फिर से एक और माइनस बाहर निकलेगा मतलब माइनस और फिर से एक और माइनस आएगा, जितना बार एक्सचेंज करेंगे उतना बार माइनस बाहर निकालेंगे तभी वो ऊपर वाले के इक्वल होगा, ठीक है। तो माइनस इनटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, मतलब ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, हमें ये आ जाएगा आपका 1 -5 0 8 2 6 9 6 1। जब बार पे जरूरत पड़ेगा जब वो एक्सचेंज करें जितना बार एक्सचेंज करें उतना बार माइनस बाहर निकालेंगे, चाहे रो को रो के साथ एक्सचेंज करो चाहे कॉलम को कोई किसी कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ एक्सचेंज कीजिए, एक जितना बार एक्सचेंज करेंगे उतना बार माइनस बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये रहा फोर्थ प्रॉपर्टीज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं फिफ्थ से अगला। चलिए पांचवा प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको यहां से देखिएगा, एक डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है सपोज ए और क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिटरमिनेंट है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन है अपने को बोला कि 2a मतलब 2a निकाल के दिखाइए, ये दिया हुआ इतना बराबर इतना और अपने को बोला 2 इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको निकाल के दिखाइए, तो क्या करेंगे क्या होगा 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसे मल्टीप्लाई करते हैं इसको और आगे सोल्व करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, क्या ये 2 सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेगा या 1 2 3 के साथ मतलब R1 एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा या R2 से R3 से या कॉलम 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा उसको देखना है। तो देखिए डिटरमिनेंट में ध्यान दीजिए मैट्रिक्स से बिल्कुल अलग है, अगर ये मैट्रिक्स होता अगर ये मैट्रिक्स होता मान लीजिए ऐसे होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ये मैट्रिक्स होता पर किस मैट्रिक्स को किस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता, 2 इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता क्या होता 2 4 6
इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता कब, जब ये मैट्रिक्स होता, मैट्रिक्स रहता है तो उसके हर एक एलिमेंट से बाहर पास के मल्टीप्लाई होता है। लेकिन डिटरमिनेंट के केस में ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट में क्या होता है, तो जो बाहर का स्केलर क्वांटिटी है वो इसके किसी एक रो या किसी एक ही कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। ये 2 जो है वो 2 चाहे तो इसके R1 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, R2 के एलिमेंट से, चाहे R3 के एलिमेंट से, या तो फिर कॉलम 1 के एलिमेंट से, या फिर कॉलम 2 के एलिमेंट से, या फिर कॉलम 3 के एलिमेंट से, किसी भी एक ही से मल्टीप्लाई करेगा, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं करेगा। मतलब हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं उससे मल्टीप्लाई किया, हमारी इच्छा होगी तो R1 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो यहाँ पर जाएगा 2, 4, 6 नीचे वाला सेम सेम आ जाएगा, क्योंकि हम किसी एक ही में मल्टीप्लाई होता ही है, हम इसको R1 से मल्टीप्लाई कर चुके, तो इसका काम खत्म हो गया, R2 R3 सेम सेम आ जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमारी इच्छा होगी, हमारी इच्छा होगी कि हम सब कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब चलिए करते हैं, तो दोनों ही सेम आंसर आ गया, तो कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करें, कॉलम 1 सेम रहा, कॉलम 2 में मल्टीप्लाई करें, आगे 4, 10, 16 और 3, 6, 9 आपकी मर्जी, आप उसे किसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी एक रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन जिसे 4 से मल्टीप्लाई होगा या तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, सपोज ये सेम क्वेश्चन है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सारे इस डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। चलिए अच्छा, अगर किसी की इच्छा हो तो 6 को डिवाइड कर सकता है, अगर मान लो हो सकता है 6 को हम चाहें तो बिल्कुल बोले 2 × 3 करना, आराम से करें 2 × 3 और ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। और किसी की इच्छा हो सर 2 से R1 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और 3 से कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करना सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम, मतलब आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई जिसको मर्जी उसको कीजिए और 3 से जिसको मर्जी उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 से सारा एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3 से सारा एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होगा, इस 2 से कोई एक ही होगा और 3 से भी कोई एक ही होगा, ठीक है, इसे का ध्यान रखिएगा, ये जबरदस्त है, लोग मिस्टेक करते हैं यहाँ पर। अच्छा देखिए, जब हम लोग मल्टीप्लाई किसी एक रो से कॉलम नहीं कर सकते तो हम लोग कॉमन निकालना हो, अगर डिटरमिनेंट से हमें कॉमन निकालना हो तो क्या करेगा, चलिए पहले मैट्रिक्स को समझते हैं। मैट्रिक्स में क्या था कि अगर बाहर का एलिमेंट्स अगर आता है उसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसका सारा का एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है, तो अगर हमको कॉमन में निकालना होगा तो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स से कॉमन निकलता है, किसी एक रो किसी को एक कॉलम के एलिमेंट से नहीं, इसके सारे एलिमेंट्स से ही बाहर निकल पाएगा, उससे हम कॉमन ले पाएंगे, किसी एक रो किसी कॉलम से कॉमन नहीं निकाल पाएंगे मैट्रिक्स के अंदर। लेकिन डिटरमिनेंट अगर बात करते हैं तो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कैसे किए थे, हम लोग किसी एक रो किसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किए थे, तो हम लोग अगर कॉमन निकालना भी होगा तो हम लोग किसी एक मैट्रिक्स में किसी एक रो या किसी एक कॉलम से निकालेंगे, एक एक करके निकालेंगे, अगर जैसे लिखते क्वेश्चन क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया हुआ है, मान लीजिए डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है 8, 10, 16, 14, 22, 24, 20, 10, 6 ये डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है और हमको चलो थोड़ा हमारी इच्छा है कि यहाँ से कॉमन निकाला जाए, इतना इंटरेस्ट सिंपल सा पे कॉमन निकाला जाए, तो देखिए तो सारा का सारा अगर चाहे तो पूरे देखिए तो सारा का सारा जितना एलिमेंट सारा सारा 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ, 2 का मल्टीपल है सारा का, लेकिन हम लोग सारे से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, हम लोग एक बार में किसी एक रो से ही बाहर निकाल सकते हैं,
तीसरा बार फिर दूसरे उसको बाहर निकाले, तीसरा बार दूसरे उसको बाहर निकाले, एक ही बार निकाल सकते निकाल दे, लेकिन इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, बाहर के तीनों मल्टीप्लाई करेगा। जैसे देखिए हम अपने कॉमन निकालना चाहते हैं, यहाँ से देखिए इस आर1 से 2 कॉमन निकल सकता है, इसीलिए 2 निकालते हैं, 2 निकल जाएगा बाहर, आर2 से तो 2 निकल सकता है, तो आर2 से 2 निकलेगा लेकिन वो इनटू में आएगा बाहर। और यहाँ पर देखिए इसे भी 2 कॉमन निकल सकता है बाहर, इसे भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, क्या बचा, टू आर वन से 2 निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 4, 5, 8, ठीक है 14, यहाँ से भी 2 कॉमन निकालेगा, 8 से तो 8 कॉमन निकाल के यहाँ पर आ जाएगा 7, 11, 12, यहाँ पर 10, 5, 3, समझ पाए। हम सारे एलिमेंट से एक बार बाहर नहीं निकाल सकते, हम किसी एक रो से एक बार बाहर निकालेंगे, फिर दूसरा बार किसी दूसरे रो से, तीसरे रो से, फिर कॉलम से निकाल सकते हैं, टोटल से नहीं, टोटल से एक बार में निकाल देंगे। इस सिस्टम में टिप्स में होता था कि सारे एलिमेंट से आप निकालेंगे एक बार, लेकिन यहाँ पर सारे एलिमेंट से एक बार में निकाल नहीं पाए, किसी एक रो किसी कॉलम से ही हम एक बार में निकाल सकते हैं। क्लियर होना चाहिए आपको कि मल्टीप्लाई करते समय का ध्यान रखना कि किसी एक रो किसी कॉलम में एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं एक स्केलर क्वांटिटी से, उसी तरह से कॉमन अगर आपको निकालना है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट से ही एक बार में निकाल सकते हैं, फिर आगे दूसरा निकालेंगे दूसरा निकालेंगे, लेकिन एक करके निकालना पड़ेगा। चलिए प्रॉपर्टी हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला प्रॉपर्टी पे चलते हैं। पहला प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी 5 से रिलेटेड, प्रॉपर्टी 6 देखिए, इसमें ए आर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स को, क्या लगा 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 गुणा 4, 4 गुणा 8, 12, 14, जो मैट्रिक्स समझते हैं वो समझ गए इस चीज को कि मैट्रिक्स का सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई करता है सेलर क्वांटिटी से, तो 2 से ये मल्टीप्लाई होता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं, ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं, क्या आ जाएगा 2, 4, 6, 7, सॉल्व करिए तो 7 + 40 - 6 = 24 आ जाएगा -10, ठीक है। लेकिन जब इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं 2a का, देखते हैं क्या आता है 4, 8, 12, 14, देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 14 = 56 -14 तो 4 इसको कह सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्यों करें 2 का स्क्वायर उसके पीछे करेंगे, यहां से प्रॉपर्टी पहले समझते हैं तब समझ आएगा क्या होता है। प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और उस मैट्रिक्स को हम k से मल्टीप्लाई करते हैं, k से मल्टीप्लाई करें तो सब डिटरमिनेंट निकालते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स है तो क्लियर करते हैं A is a matrix of n by n. इसका ऑर्डर क्या है n by n और इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं A मतलब कैसे मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका डिटरमिनेंट करने से इस तरह से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे उसी तरह से यहाँ पर
ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स को कैसे मतलब आए हम आपस का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है के पर पावर में आ जाएगा जिस साइज का वो होगा n और इनटू डिटरमिनेंट ऑफ के ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो बराबर होता है के पर पावर n इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। और यहां से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछा जाता है और ये क्वेश्चन ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है। अब इसी के हिसाब से देखा जाए इसको ये वाला उसी कारण से आया था क्योंकि ये मैट्रिक्स ऐसा था ए मैट्रिक्स था 2 बाय 2 का यहां पर 2 आए मैट्रिक्स सॉरी इसको मल्टीप्लाई किससे किए थे 2 से जहां के उसके पे क्या 2 तो 2 से मल्टीप्लाई किए थे यहां पर के पर पावर n आता है पर 2 आए पहले 2 आए और उसके बाद किस साइज का मैट्रिक्स था 2 बाय 2 का था यहां पर जिस साइज का होता है n बाय n का तो के पर पावर n लिखते हैं वहां पर 2 पर पावर 2 लिखिए ये 3 बाय ये 3 से मल्टीप्लाई होता है सपोज ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को हम 3 से मल्टीप्लाई किए होते 3a से मल्टीप्लाई करते और सब डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते 2a जो है मान अब 3a होता और सब डिटरमिनेंट सॉल्व करते सॉल्व करने पर क्या आंसर आता तो जिससे मल्टीप्लाई की प्लस कर लीजिए इसका स्क्वायर तो फिर 3 लिए और ये a की साइज का मैट्रिक्स है 2 बाय 2 का है इसका स्क्वायर हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a हो जाएगा मतलब अगर ये क्वेश्चन होता तो इसको सॉल्व करने का आंसर क्या था 3 का स्क्वायर माइनस 3 डिटरमिनेंट टू में क्या माइनस 10 माइनस 10 आ जाएगा माइनस 90 समझ पाए। ये जो ए मैट्रिक्स है ध्यान रखना है ए का मैट्रिक्स ए बाय एन का है और उसको के से मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हमारे पास आता है के पर पावर साइज जो रहता है एन और इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ये ध्यान रखिएगा इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है अगला प्रॉपर्टीज में चलते हैं स्क्रीन शॉट ले लीजिए। सेवेंथ प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टीज कहता है कि डिटरमिनेंट दिया हुआ जिसका कोई एक रो या कोई कॉलम एक से भी मूल हो सकते हैं जो सम के रूप में है जो सम के रूप में कहने का मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और यहाँ प्लस यहाँ पर आ गया ए प्लस अल्फा बी प्लस बीटा G है प्लस गामा A प्लस अल्फा BC B प्लस बीटा EF G प्लस गामा H I ये डिटरमिनेंट का ध्यान से देखिए इसका कॉलम जो है 1 कॉलम 1 वो सम के रूप में लिखा हुआ है जरूरी कि एक ही कॉलम हो बहुत सारे कॉलम से बहुत सारे रो हो सकते हैं जो सम के रूप में लिखे हो सकते हैं लेकिन अब एक का बात करते हैं तो इसको हम लोग अलग दो अलग अलग डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं लेकिन हमें क्या करना पड़ता है जो सम के रूप में लिखा उसका फर्स्ट वाला एलिमेंट डी ए डी जी इसमें क्या होगा ए डी जी और ये सेम सेम जैसा था वैसा क्या बी ई एच सी एफ आई ये डिटरमिनेंट बना और उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस लिख दिए और अलग अलग लिखेंगे सेकेंड एलिमेंट जो था सम वाला सेकेंड एलिमेंट जो था अल्फा बीटा गामा बाकी यहाँ पर बी ई एच सी एफ आई इस तरह से इसको लिखा जा सकता है दो अलग अलग डिटरमिनेंट बन सकते हैं और फिर इसको आसानी से सॉल्व किया जाता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए ये दो जगह पे होता सेम सेम यानी एक ही कॉलम वन में सम आया हुआ उसी तरह से कॉलम टू ये कॉलम थ्री में भी सम के रूप में होता एक क्वेश्चन देखते हैं एक क्वेश्चन फर्स्ट अगला क्वेश्चन सेकंड इसको देखिए अगर मान लीजिए ऐसा यही होता ए प्लस अल्फा डी प्लस बीटा और जी प्लस गामा बी ई एच सी एफ आई सी एफ आई सॉरी बी प्लस बी
E1, E1, H1. सपोज उसकी संदर्भ लिखा हुआ है और C है इधर, L है इधर, I यहाँ पर देखिए इसमें दो कॉलम्स C1 और C2 दोनों कॉलम्स संदर्भ पे लिखे हुए, तो अगर इसको हम लोग अलग अलग एक्सपेंड करना चाहते हैं, अलग अलग यूनिट मान के लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। देखिए बड़ा सिंपल है, पहले हम लोग एक बार किसी एक कॉलम को ही एक्सपेंड करते हैं, तो किसी एक कॉलम के अकॉर्डिंग ही काम कर सकते हैं, एक बार दोनों के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते। तो हम लोग पहले कॉलम वन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो चलिए देखते हैं इसके अकॉर्डिंग तोड़ते हैं, जिसमें दोनों सेम सेम आ जाएगा, सिर्फ ये अलग अलग होगा। देखिए क्या होगा, ए डी जी बी प्लस बी वन, ये ई प्लस ई वन, ये एच प्लस एच वन, उसी तरह से सी एफ आई, अब प्लस ये देखिए अल्फा बीटा गामा, बी प्लस बी वन, ई प्लस ई वन, एच प्लस एच वन, सी एफ आई। इसका फिर से क्या बता रहा हूँ, कॉलम टू के लोग के अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट में अलग अलग करेंगे। आगे चलते हैं, कॉलम टू जो सेंटर पे क्या आया हुआ है, तो इसको हम करते हैं अलग अलग, तो उसमें आपका ये सब सेम रह जाएगा, बाकी अलग अलग है। ए बी जी हो जाएगा बी ई एच सी एफ आई, और प्लस अभी इसको तोड़ रहे हैं, हम बात में करेंगे इसको तोड़ रहे हैं, जिसमें से आ जाएगा आपका ए बी जी हो जाएगा बी वन फिर से देख लीजिए सर, आवाज नहीं है वो आपके पास। इसको यहाँ पर कॉलम टू इसको पहले इस कॉलम टू को इस जो डिटरमिनेंट आ गया इसका कॉलम टू सम के रूप में है, इसको दो पार्ट में अलग अलग करते हैं, फिर उसके बाद उसको करेंगे। इसको करते तो आएगा ए डी जी, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट इसका ले रहे डी ई एच और उधर सी एफ आई, ठीक है। उसके बाद अगला इसी का डिटरमिनेंट बनेगा सेकंड वाला, जिसमें से ए डी जी रहेगा, यहाँ पर बी वन ई वन एच वन आ जाएगा और यहाँ पर आपका सी एफ आई आएगा, इसलिए सी एफ आई। ये इस डिटरमिनेंट का दो पार्ट बन गया प्लस इसका दो पार्ट बनेगा, जिसमें से हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, ये बी ई एच और सी एफ आई प्लस, इसका देखिए प्लस प्लस का इसको प्लस ही, अब यहाँ पर हो जाएगा अल्फा बीटा गामा हो जाएगा बी वन ई वन एच वन सी एफ आई। अगर टू बाय टू सॉरी अगर दो कॉलम्स सम के रूप में लिखे हुए हैं तो टोटल चार डिटरमिनेंट बनता है, उसको सेपरेट करते हैं तब
उसका अगर तीन आता तो छह बनता, ठीक है। तो इसको कॉपी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग अगला प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट का क्या कहता है कि हम लोग किसी भी दो रो को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी दो कॉलम को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए क्या कहना चाहता है, अगर हमारी जरूरत पड़ी तो हम लोग आर वन और आर टू को, या तो आर वन आर टू आर थ्री तीनों को ऐड कर सकते हैं। देखिए जैसे हम चाहे कर सकते हैं कि हमको अगर जरूरत पड़ी ऐसा तो कर सकते हैं आर वन को आर वन प्लस आर टू, मतलब क्या मतलब कि R1 और R2 दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके कहां रखेंगे R1 के जगह में, ये R1 के जगह में रख देंगे, क्या आ जाएगा a plus इस जगह पे आ जाएगा a plus t b plus e c plus f, और नीचे सेम से रहेगा d e f g h i। प्रॉपर्टी कहता है तो हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हमारे जरूरत पड़ी या हमारी इच्छा है तो हम तीनों को भी ऐड कर सकते हैं, तीनों को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हमारी इच्छा वैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो उसके बीच, मल्टीप्लाई या डिवाइड रोज के बीच नहीं कर सकते लेकिन जोड़ने और घटाने का काम हम कर सकते हैं। हमारी इच्छा में हम लोग आर वन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर सकते हैं, जैसा हमारी इच्छा हम कर सकते हैं। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो आर टू आर वन जैसे आप जितना आपको चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर हमारी इच्छा आर टू में हम लिखना चाहते हैं आर टू माइनस आर थ्री करके R2 minus R3, D minus G, E minus H और F minus I, जैसा हमारी इच्छा उसके बोले उससे काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सारा का सारा सही रहता है। मतलब किसी दो रो या किसी दो दो या से अधिक रो को मतलब रोज को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है। उसी तरह से जो काम हम रोज के लिए कर सकते हैं वही काम कॉलम्स के लिए भी कर सकते हैं। हम लोग किसी दो रोज या दो से अधिक सॉरी किसी दो कॉलम्स या दो से अधिक कॉलम्स को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जैसे हमारी इच्छा वैसे कर सकते हैं। अच्छा इसके साथ क्या कर सकते हैं, तो अगर अपने को जरूरत पड़ा तो हम लोग जिसे हम लोग चेंज करना चाहते हैं ठीक है उसको छोड़कर बाकी किसी दूसरे रोज या दूसरे कॉलम्स में कोई भी अलग एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब अगर हम लोग आर वन चेंज करते हैं, आर वन चेंज करना चाहते हैं, आर वन चेंज करना चाहते हैं तो R1 में कोई चीज मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे, आप उनको जुगत भी रख दें और किसी दूसरे रो के साथ इसको जोड़ सकते हैं, दूसरे रो में कोई चीज मल्टीप्लाई करके, जैसे अगर आपने मैंने पढ़ा कि R2 में M से मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके R1 में जोड़े तो कर सकते हैं R1 plus M R2, सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है। अगर हमारा जवाब पड़ा कि सर R1 में चेंज कीजिए लेकिन R1 में कोई मल्टीप्लाई तो होगा नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई कुछ ना किसी ना चेंज कर रहे हैं, लेकिन आर टू और आर थ्री में आप दोनों कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, आर वन में आप कर सकते हैं एम आर टू प्लस एम आर थ्री, एम एन क्या है स्केलर क्वांटिटीज ठीक है। हम लोग देखिए ध्यान से, तो किसी दो रोज को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, किसी दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन किसी एक रो में कोई एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चेंज कर रहे हैं, आर वन में चेंज कर रहे हैं, तो आर वन में कोई चीज मल्टीप्लाई डिवाइड हम लोग अभी तक नहीं किए हैं, क्या कर सकते हैं कर सकते आगे देखेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग नहीं किए। अगर आपको तो जरूरत पड़ा कि आर टू में कुछ चेंज करना हो तो आर टू में कुछ नहीं कर पाइएगा, आर टू जैसे तैसे छोड़ देंगे हम लोगों ने, और इसके साथ हमको आर थ्री या आर वन जैसे आपकी इच्छा हो उसके साथ कर सकते हैं। आर थ्री में हम लोग लगा कि हम लोग के से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई इसमें ऐड करें आर टू के साथ,
हम लोग के से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आर थ्री को के टू के साथ ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, जो काम लोग कॉलम्स के रोज के लिए कर रहे हैं वही काम कॉलम्स के लिए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम कहीं पर नहीं होगा। लेकिन अब ध्यान देने वाला बात क्या है कि अगर अपने बजरों पड़ गए तो अपनी इच्छा हमारी इच्छा हुई कि जिसमें लोग चेंज कर रहे हैं उसी में कुछ चीज अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है? कर सकते हैं जी हाँ, 100% पॉसिबल है। हम लोग जिसमें काम करते हैं उसमें हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ अलग प्रोसेस उसको देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमको आर वन में, ये देखिए आर वन में हम चेंज करना चाहते हैं, और आर वन में ही एन से मल्टीप्लाई करके आर टू पे हम ऐड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? एन आर वन इंटू सॉरी इंटू नहीं प्लस आर टू के साथ ऐड करना चाहते हैं। एम आर वन जिसमें हम चेंज कर रहे हैं उससे हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको डिटरमिनेंट को एन से डिवाइड करना पड़ेगा। ये सब प्रोसेस में कहीं पर ध्यान से देखिए तो आप लोग चेंज करें तो आप लोग कुछ नहीं करने गए लेकिन कुछ नहीं किए, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, तो डिटरमिनेंट कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट प्रोसेस करके सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर लोग आप जिसमें कुछ चेंज कर रहे हैं उससे कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को डिटरमिनेंट को जिससे मल्टीप्लाई करें उससे डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइड करके उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। करने का मतलब क्या, तो देखिए करने का मतलब क्या है, अगर इस प्रोसेस को हम अप्लाई करते हैं इस पर, इस डिटरमिनेंट पे इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आएगा, क्या करना पड़ेगा अपने को। आर वन चेंज होगा एम आर वन को देश में एम पी आ जाएगा और प्लस एम पी क्या जाएगा, एम ए प्लस एम बी हो जाएगा। यहाँ पर इसमें क्या होगा एम बी प्लस एम ई, एम बी प्लस एम ई और इसमें आएगा एम सी प्लस एम एफ, एम सी प्लस एम एफ नीचे सेम सर आ जाएगा क्योंकि आर वन चेंज हुआ था। बी ई एफ G H I देखिए कर दिए, लेकिन ये भी इसके इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जिसमें काम किए उसी में चेंज कर दिए, कुछ जिसमें चेंज कर रहे हैं उसी में कुछ इसे मल्टीप्लाई कर दिए, ये डिवाइड कर दिए, कुछ भी कर दिए तो नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो ये इक्वल नहीं होगा। तो इस इक्वल करने का उपाय क्या है, तब जिससे इसको मल्टीप्लाई किए उसी से इसको डिवाइड कर दीजिए पूरे डिटरमिनेंट को, अब सही हो जाएगा दोनों। और इतना बराबर नहीं, एक बार इसको सोल्व करके जो लाएंगे वही इससे भी आंसर आएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। समझ पाए? जिसमें लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसमें लोग काम कर रहे हैं उसमें कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे हमको डिवाइड करना पड़ता है। अगर यहाँ पर वन बाय एन होता तो यहाँ पर एन डिवाइड नहीं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अच्छा देखिए अगर इसमें ये जो है इसके अंदर करना तो इसी कर तो देखिए करते हैं क्या होता है। तो वन बाय एन आपका लगा हुआ है इधर, कोई दिक्कत नहीं, इधर एन ए प्लस एन डी md plus me और mc plus m f। इधर देखिए r2 में चेंज होगा, r2 में चेंज होगा क्या होगा, r3 minus r2, r3 क्या g minus d, g minus d यहाँ पर हो जाएगा, h minus e, h minus e और यहाँ पर हो जाएगा i minus f, i minus f और नीचे आपका g h i, तो क्या दोनों इक्वल है? ध्यान से देखें तो इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखिए तो हम जिसमें काम किए जिसमें चेंज कर रहे हैं आर टू में चेंज कर रहे हैं, तो आर टू में हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें माइनस वन से इंटू हो चुका है, आर थ्री में सॉरी आर टू में चेंज कर रहे हैं। अगर ध्यान से देखिए इस प्रोसेस को करते समय तो हम आर टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अगर हम लोग माइनस वन से मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा,
जिससे आप मल्टीप्लाई करते हो उससे डिवाइड करना पड़ता है, मतलब माइनस वन से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब कह सकते हैं कि माइनस वन से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। बात क्या पड़ेगा, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एक माइनस यहाँ पे इधर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर यही प्रोसेस उल्टा होता, यही प्रोसेस उल्टा होता क्या होता कि आर टू में हम लोग आर टू माइनस आर थ्री करते हैं, तो अपने को कोई माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि हम जिसमें चेंज कर उसमें कोई प्रॉब्लम कोई चेंजिंग कोई इनटू कोई डिवीजन कुछ नहीं किए, आर टू में चेंज कर रहे थे, आर टू में जैसा था वैसा रख के कुछ नहीं करने गए, आर टू में जो हुआ माइनस वन से मल्टीप्लाई किया जो हो रहा है, लेकिन आर टू में कोई चेंजिंग नहीं, कुछ हम लोग करने नहीं गए हैं, इसीलिए इस स्टेप को हम सोल्व करते हैं, इस प्रोसेस को यूज करते हैं तो अपने को माइनस माइनस बाहर लगाना नहीं पड़ता, ठीक है। ध्यान रखिएगा बड़ा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, मतलब यहाँ पर क्या सीखे कि किसी डिटरमिनेंट के अंदर किन्हीं दो रोज को या दो से अधिक रोज को जोड़ा जा सकता है घटाया जा सकता है, उसी तरह से दो कॉलम्स को या दो से अधिक कॉलम्स को जोड़ा जा सकता है घटाया जा सकता है, किन्हीं दो रोज को मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते आपस में, उसी तरह दो कॉलम्स को वापस आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, जोड़ घटा सकते लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते रोज को, किन्हीं स्क्वायर क्वांटिटी के साथ कोई अंक के साथ कोई नंबर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं किसी भी कॉलम्स को, लेकिन आपस में रोज एक कॉलम्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान देना है, फिर से वापस रिमाइंड कर रहे हैं आपका कि हम जिसमें चेंज करते हैं जिस रो में जिस कॉलम में चेंज करते हैं उसके साथ अगर कोई चीज मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है तो अपने को अगर मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन जिसमें लोग चेंज कर रहे हैं उसमें अगर कोई चेंजिंग नहीं उधर कोई मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं किए तो अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए R1 है तो R1 plus R2 इसमें R1 में था कोई R1 चेंज कर रहे थे इसमें R1 कुछ नहीं करने गए तो इसमें हमको कोई अलग से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, इसमें से किसी में से कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ेगा बाहर से आपको, लेकिन यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर R1 में चेंज किए और R1 में आप इनसे मल्टीप्लाई कर चुके हैं इन सब को डिवाइड करना पड़ गया। यहाँ पर देखिए R2 में चेंज कर रहे हो, R2 में माइनस वन से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, हटाने के लिए आपको माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ गया, तो ये माइनस के कारण एक माइनस के बाहर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग डिटरमिनेंट को आसानी से सॉल्व करते हैं, सिंपल कर देता है डिटरमिनेंट को। तो चलिए आज का प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुआ, अब अगला क्लास में देखेंगे, आगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसके इन प्रॉपर्टीज यूज करते हुए। थैंक यू।